सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ संख्या 14, जिसका नाम है स्वर्ण नगरी की सैर। इस पाठ में हम पढ़ते हैं सबसे पहले परिचय। राजस्थान हमारे देश का महत्वपूर्ण बड़ा राज्य है, जो देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है? देश की पश्चिमी सीमा पर। जैसलमेर राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित नगर है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। जैसलमेर छोटा सा खूबसूरत नगर है, जो अपने भीतर बड़ी ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए है। जैसलमेर अपने अंदर बहुत ही ऐतिहासिक मान्यताओं को समेट हुए, यानी जैसलमेर के बारे में हम सभी ने सुना है कि वहाँ पर क्या क्या किले मौजूद है, किस समय वहाँ पर क्या क्या हुआ था। यहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान का समुद्र नजर आता है। रेगिस्तान यानी चारों तरफ देखो जहाँ पर ही मिट्टी है। जैसलमेर में पानी की बहुत अधिक मात्रा में कमी पाई जाती है और वहाँ पर रेगिस्तान यानी रेत के बड़े बड़े टीले देखने को मिलते हैं। इस पाठ में यहाँ की ऐतिहासिक विरासत की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इस पाठ में जैसलमेर की ऐतिहासिक जानकारी हम सभी को यहाँ पर बताई गई है। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी यानी अच्छे से ख्याल रखने वाला, ध्यान रखने वाला, प्रहरी जिसको कहा जाता है, जो अपना पहरा देकर बैठा होता है। तो पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी किसे कहा है? जैसलमेर को कहा है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है कि जैसलमेर को किन किन नामों से जाना जाता है। तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, हेमनगर और भड़कीवाड़ नाम आदि से भी हम जानते हैं। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है, यानी वहाँ पर रेतीले धोरे ही धोरे हैं। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है, रेत के टीले बने हुए हैं, पानी की बहुत मात्रा में कमी है, तो वहाँ दुर्गम बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य से उस चीज़ को देखते रहना। तो जैसलमेर की सुंदरता इतनी अधिक है कि लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते ही रह जाते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। जो स्वर्ण नगरी है, जो जैसलमेर है, वो सभी नगरों से, जब भी देश के जितने भी नगर माने जाते हैं उन सभी में, विश्व के जितने भी नगर माने जाते हैं, जितने भी शहर हैं उन सभी में जैसलमेर को सबसे अधिक मान्यता मिली हुई है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। अब यहाँ पर एक कहानी के तौर पर बताया जा रहा है कि एक विद्यालय है और वहाँ पे 5वीं कक्षा को घूमने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन कहाँ घूमने ले जाया जा रहा है उसके बारे में पहले पूरी जानकारी दी गई है, तो उनको जैसलमेर ले जाया जा रहा है, इसलिए उसकी पूरी जानकारी वहाँ दे रहे हैं। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोतिन, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते हुए सो गए। आपको पता है पिकनिक जाते हुए कितना मज़ा आता है। बस में सभी एक साथ जाते हैं, एक साथ बातें करते हैं, गाने गाते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। तो ऐसे करते करते ही जो कक्षा 5वीं के बच्चे हैं, जिनका नाम है बरकत, मुरली, रौनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते हुए सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। पाषाण यानी वहाँ पर जो पत्थर है और उस पर छोटे छोटे कण हैं, उनको सूर्य की किरण जब उस पत्थर के ऊपर गिर रही है तो वो उसे चमका रही है। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। सबसे पहले उनका जैसलमेर के किले को देखना फिक्स हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ था। पहाड़ी का नाम क्या था? त्रिकुट। इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। प्रश्न बहुत ही अच्छा बन सकता है यहाँ से भी कि त्रिकुटगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पॉल, अखे पॉल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। अब आपने भी बहुत सारे किले देखे होंगे, अलग अलग तरह, अलग अलग जगह पर किले देखे होंगे। वहाँ पर किलों में दीवारों पर खुदाई की गई है, पत्थरों में ही खुदाई की गई है और वहाँ पर अनेक देवी देवताओं की उस पत्थरों में ही नक्काशी के द्वारा मूर्तियाँ बनाई गई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है और ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। बुर्ज जो आपने किले के ऊपर जो तीखे तीखे, जो नीचे से मोटे हुए गुंबद की तरह ऊपर जाके जो तीखा हो जाता है, वो आपने देखा होगा किलों के ऊपर, उसे हम बुर्ज कहते हैं।
इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं। किसे? जैसलमेर को। यहाँ पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। इनके झरोकों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गड़ीसर गए। अब जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है गड़ीसर। यह तालाब सदियों से यहाँ के वंशीदों की प्यास बुझाता आया है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ का जो तालाब है वो वहाँ रहने वाले वंशीदों, उनको कहा जाता है, उनकी प्यास बुझाता आया है। और यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेर रहा है, यानी सुंदरता इतनी कूट कूट के भरी हुई है उन पत्थरों में। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियाँ बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस यानी दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुल धरा देखकर हम सम पहुंचे। सम आप जैसलमेर की जगह देख सकते हो। सम बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर ये चित्र भी दिखाया गया है आपको सम का। यहाँ एक देख सकते हैं कि यहाँ पर घोड़ों के सॉरी ऊँटों पे सवारी की जा रही है और रेत के बड़े बड़े टीले बने हुए हैं। ये सम है। यहाँ रेत का अथाह समुंदर हमें बरबसी अपनी ओर खींचता है। रेत का अथाह समुंदर, जैसे पानी का समुंदर होता है वैसे यहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत है। और अथाह समुंदर, अथाह यानी जहाँ तक निगाह जाए वहाँ तक समुंदर ही समुंदर है रेत का। हम सम के धौरों की मखमली रेत पर खूब नाचे। अब वो रेत इतनी सॉफ्ट, इतनी मखमल के समान है कि वहाँ पर खेलने का मजा ही कुछ और है। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। रात को कैर सांगरी पचकूटे की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। ये जैसलमेर का सबसे प्रसिद्ध खाना है। कैर सांगरी की सब्जी, जो आप सभी ने नाम सुना ही होगा, पंचकूटे की सब्जी और दाल बाटी चूरमा। अगले दिन बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क को देखा। अगले दिन कहाँ जाते हैं वो? बड़ा बाग की छतरी नाम है, वहाँ पर एक जगह है वो भी अच्छी है घूमने की, और वुड फॉसिल पार्क। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। अब जैसलमेर से आगे पोखरण। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं। वास्तव में यह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। तो इस प्रकार सभी बच्चे जैसलमेर को पिकनिक के लिए जाते हैं। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ों का सॉरी वहाँ की जगहों का नज़ारा देखते हैं। उन्हें बहुत ही पसंद आता है। इस प्रकार वे वहाँ पर जैसलमेर की जितनी भी अलग अलग प्रकार की जगह हैं उनका बहुत ही आनंद लेते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद।